बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मित्रों का आज का राशिफल में। मैं सिद्धांत सहगल, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर। ये राशिफल मैं चंद्र राशि यानी मून साइन के तहत बताता हूँ। हर सुबह जब आंख खुलती है हमारी, तो हम सबके मन में ये बात जरूर आती है कि न जाने आज हमारा दिन कैसा जाने वाला है। तो हम ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसा जाएगा। तो चलिए पंचांग पे दृष्टि डाल लेते हैं। 12 जुलाई 2022 सोमवार यानी मंगलवार का दिन है आज। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि सुबह 7:46 तक रहेगी, उसके बाद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि शुरू हो जाएगी। चंद्रदेव आज बिल्कुल शुरुआत में दिन की 5:15 तक ज्येष्ठा नक्षत्र में है, उसके बाद मूला नक्षत्र में चले जाएंगे। ज्येष्ठा नक्षत्र की तरह मूला नक्षत्र भी गंडमूल नक्षत्र कहलाता है। तो आज जिन बालकों का जन्म होगा वो गंडमूल दोष के अंतर्गत जन्म लिए हुए माने जाएंगे। वैसे तकनीकी तौर पे आपको बता दूं, ज्येष्ठा का अंतिम चरण और मूला का प्रथम चरण ज्यादा खराब होता है, क्योंकि जल राशि से अग्नि राशि के साथ संपर्क बनता है चंद्रमा का। जल तत्व से अग्नि तत्व का मेल स्थल है, यानी मेल बंधन होता है वहां वृश्चिक और धनु के बीच में। ज्येष्ठा बुध देव का और मूला केतु देव का नक्षत्र होता है, और चंद्रदेव आज वृश्चिक राशि में रहेंगे सुबह 5:15 तक, उसके बाद धनु राशि में चले जाएंगे। शक संवत 1944, विक्रम संवत 2079 चल रहा है। अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:13 से 12:07 तक, अमृत काल 20:44 से 22:08 तक, गुलिक काल 11:40 से 13:21 तक, यमगण काल 8:19 से 9:59 तक, राहु काल दोपहर 15:02 से 16:43 तक। दिशाशूल उत्तर, राहु काल वास पश्चिम की तरफ है। चौघड़िया देख लेते हैं आज का। तो लाभ चौघड़िया सुबह 9:59 से 11:40 तक, अमृत चौघड़िया 11:40 से 13:21 तक, शुभ चौघड़िया 15:02 से 16:43 तक, सूर्यास्त के बाद लाभ चौघड़िया 19:43 से 21:02 तक, शुभ चौघड़िया 22:21 से 23:40 तक, अमृत चौघड़िया रात 23:40 से आधी रात के 1 बजे तक। तो लाभ चौघड़िया, अमृत चौघड़िया, शुभ चौघड़िया, अभिजीत मुहूर्त, अमृत काल, ये सभी शुभ समय कहलाते हैं। किसी भी प्रकार का शुभ काम आप इस वक्त पे कर सकते हैं। राहु काल और यमगण काल दोनों शुभ काल नहीं कहलाते। किसी भी प्रकार का शुभ काम आपको इस वक्त पे नहीं करना चाहिए, जैसे कि रुपए पैसे से संबंधी महत्वपूर्ण लेन देन करना, किसी नए काम की शुरुआत करना, यहाँ तक कि प्रेम निवेदन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि राहु काल शुभ काल नहीं होता। राहु काल में किए हुए काम अधूरे रह जाते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मेष से मीन तक के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। तो मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन व्यवसायिक स्थल पे परेशानियों वाला दिन हो सकता है। आपका बिजनेस पार्टनर आपके साथ शत्रुता कर सकता है। हालांकि व्यवसाय में आपको मन मुताबिक सफलता मिलने के योग भी बन रहे हैं, आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होने के योग बन रहे हैं, कहीं से अचानक धन लाभ या उपहार मिलने के योग भी बनते हैं। आपको अपने खर्चों पे कंट्रोल रखना होगा, परिस्थितियां लगभग आपके पक्ष में होंगी। मन आज आपका प्रसन्न रहेगा। दाम्पत्य जीवन में क्रोध करने से बचें, छोटी मोटी बातों की वजह से क्रोध करना उचित नहीं। परिवार के किसी बुजुर्ग व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। नौकरी करते हैं तो नौकरी की उठापटक में आज का दिन थोड़ा आपके लिए मूड खराब करने वाला दिन हो सकता है। प्रेम संबंध आपके विवाह संबंधों में तब्दील हो सकते हैं। अविवाहित मित्रों को विवाह संबंधी योग बनने के योग बन रहे हैं। संतान के साथ मन मुटाव के योग भी बन रहे हैं। आज आपका फ्लर्टी नेचर आपके लिए समस्या खड़ी कर सकता है। हालांकि प्रेम संबंधों के लिए दिन अच्छा ही है आज आपके लिए। केतु का मंत्र जाप करें, ओम केन केतवे नमः 11 या 21 बार। आज का लकी नंबर है आपके लिए 9। वृष राशि के मित्रों के लिए आज का दिन स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपको सता सकती है। किसी अननोन डिजीज के चक्कर में आप फंस सकते हैं, मतलब आपको क्या हुआ है अब तो खुद ही समझ में नहीं आए। आज का दिन हालांकि आपके लिए थोड़ा परेशानी वाला है, लेकिन फिर भी
घर परिवार में आनंद उत्सव और परिस्थितियां आपके अनुकूल बनी रहेंगी। छात्रों के लिए अच्छा दिन रहने वाला है। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, से सुबह सूरज उगने के पहले मॉर्निंग वॉक करें, आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा, इससे आप चुस्त दुरुस्त बने रहेंगे। आपको व्यवसाय से जुड़े कुछ अच्छे अवसर भी प्राप्त होंगे। सामाजिक स्तर पे आपकी लोकप्रियता बढ़ने के योग बन रहे हैं, कोई जिम्मेदारी मिल सकती है। नौकरी पेशा लोगों को आज काफी मेहनत करनी पड़ेगी। कर्मस्थल पे आपके ऊपर काम का काफी दबाव बना रहेगा। किसी भी प्रकार के गलत तरीके से रुपया कमाने की कोशिश ना करें। केतु का मंत्र जाप करें, ओम केम केतवे नमः 11 या 21 बार। आज का लकी नंबर है आपके लिए 6। मिथुन राशि के मित्रों के लिए आज का दिन व्यवसाय में अग्रगति, व्यवसाय में धन लाभ, लेकिन आपके आलसी रवैये की वजह से काम धंधे में आपको नुकसान का योग बन सकता है। दंपत्य जीवन में प्रेम की वृद्धि होगी। आज आप अपने कर्म स्थल पे किसी महत्वपूर्ण मीटिंग का हिस्सा बनेंगे। आपके विचारों को आज काफी महत्व मिलेगा। आपके सुझाव लोगों को पसंद आएंगे। परिवार के प्रति आपकी जिम्मेदारियां बढ़ने की संभावनाएं बन रही हैं। किसी भी प्रकार के वाद विवाद में आपकी विजय होगी। नए योगा योग होंगे और आप अपने जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करेंगे। प्रेम संबंधों में सफलता के योग बन रहे हैं, हालांकि थोड़ी सी असमंजस की स्थिति भी बनी रहेगी। आज आपका व्यक्तित्व काफी आकर्षक बना रहेगा। केतु का मंत्र जाप करें, ओम केम केतवे नमः 11 या 21 बार। आज का लकी नंबर है आपके लिए 5। कर्क राशि के मित्रों के लिए आज का दिन अचानक धन लाभ। अपने कर्म स्थल पे आप लोगों को प्रभावित करने में सफल रहेंगे। आप अपनी चल रही जॉब को छोड़कर किसी दूसरी जॉब में जाने का विचार भी कर सकते हैं और अपनी इनकम में बढ़ोतरी के लिए आप कुछ नए कामों की शुरुआत भी कर सकते हैं। किस्मत आपके साथ रहेगी। परिवार में आनंददायक स्थिति बनी रहने के योग बन रहे हैं। शत्रुओं पे आज आप भारी पड़ेंगे। आपका रुका हुआ पैसा, पुराना फंसा हुआ पैसा मिलने का योग बन रहा है। व्यवसाय में आप कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट्स, नए सौदे कर सकते हैं। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। पारिवारिक जीवन में सुख और संतोष बना रहेगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ दिक्कत आ सकती है। प्रेम संबंधों में ब्रेकअप का योग आपका बन रहा है। अगर आप विवाहित हैं तो आपके प्रेम संबंधों को लेकर आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव हो सकता है। केतु का मंत्र जाप करें, ओम केम केतवे नमः 11 या 21 बार। आज का लकी नंबर है आपके लिए 19। सिंह राशि के मित्रों के लिए आज का दिन बाधा वाला दिन, छोटी यात्रा। आपको विभिन्न स्तरों पर आज कठिनाइयों और बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। भ्रम की स्थिति बनी रहेगी और इस भ्रम की स्थिति की वजह से आप अपने कामों को समय पे पूरा नहीं कर पाएंगे। संसाधनों की कमी के कारण व्यवसाय में आपको अपनी नई योजनाओं को रोकना पड़ सकता है। स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी चिंता भी सता सकती है। दिशाहीनता का शिकार आप बने रहेंगे। छोटे भाई बहनों की मदद हालांकि मिलेगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हो सकते हैं। प्रेम संबंधों में दरार आने के योग भी बन रहे हैं। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करने से बचे। आपका व्यवहार आपके पार्टनर के दिल को तकलीफ दे सकता है। केतु का मंत्र जाप करें, ओम केम केतवे नमः 11 या 21 बार। आज का लकी नंबर है आपके लिए 5-9। कन्या राशि के मित्रों के लिए आज का दिन धन लाभ का दिन है। आज का दिन आपके लिए शुभ रहने वाला है। घर के काम काज आप निपटाने में सफल रहेंगे। प्रेम संबंधों में आपको कोई सरप्राइज मिलने के योग बन रहे हैं। मित्रों के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। धन से जुड़ी चिंताएं कम होंगी। रुके हुए धन की प्राप्ति के योग बनेंगे।
छोटी छोटी गलतफहमियों को दरकिनार करके चलने की कोशिश कीजिए। आप अपने आत्मविश्वास के बल पर आगे बढ़ेंगे, माता का सहयोग मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में अपने जीवन साथी को थोड़ा समय दें। अगर आप समय नहीं देंगे तो पारिवारिक जीवन में तनाव बढ़ने के योग बन सकते हैं। हालांकि प्रेम बना रहेगा, फिर भी प्रेम संबंधों में थोड़ा संभल कर चले, नहीं तो आपस में तनाव हो सकता है। केतु का मंत्र जाप करें, ओम किं केतवे नमः 11 या 21 बार। आज का लकी नंबर है आपके लिए 2-5। तुला राशि के मित्रों के लिए आज का दिन सेल्स एंड मार्केटिंग के काम में लाभ, लेकिन दिशाहीनता का शिकार आप रहेंगे। हालांकि आपकी चिंताएं कुछ कम होगी, आपका मन खुश रहेगा, कुछ नए योगा योग होंगे। कर्मस्थल पर जो बाधाएं आएंगी उसे आप दूर करने में कामयाब रहेंगे। आपका ध्यान आज धन और व्यवसाय पे ही ज्यादा लगा रहेगा। मिले हुए मौकों का फायदा उठाने की कोशिश करें। आपकी मेहनत की वजह से आपके सारे काम आज आसानी से और नियत समय पे पूरे हो सकते हैं। किसी की कोई कही हुई बात आज आपके दिल पे लग सकती है, जिसके प्रति आप काफी संवेदनशील हो उठेंगे। हालांकि आपने समझदारी से काम लेना है, लीजिए। व्यापार के लिए की हुई यात्रा आज फायदेमंद रहेगी। विवाहित जीवन में अंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। खर्च के मामले में थोड़ा कंट्रोल करें। केतु का मंत्र जाप करें, ओम केम केतवे नमः 11 या 21 बार। आज का लकी नंबर है आपके लिए 2-6। वृश्चिक राशि के मित्रों के लिए आज का दिन व्यवसाय में फायदे के योग बन रहे हैं, लेकिन खर्च की अधिकता भी आज आपको परेशान करती रहेगी। शेयर मार्केट से बिल्कुल दूर रहना है आपने। रुपए पैसे के मामले में आपको आज काफी सावधानी बरतने की जरूरत है। सरकारी कामों में है तो आज वहां आपको सफलता मिलेगी, लेकिन किसी सरकारी व्यक्ति को घूस देकर अपना काम निकलवाने की कोशिश ना करें। नए काम करने का मन आज बनेगा। कुछ पुरानी रुकी हुई जिम्मेदारियां आज पूरा करने में आप कामयाब रहेंगे। नई अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। व्यवसाय संबंधी फैसले काफी सोच समझ कर ले, क्योंकि आने वाले समय में आपको कोई बड़ा फायदा होने के योग बन रहे हैं। नई नई जिम्मेदारियां आज आपको मिल सकती है। छोटी यात्रा के योग भी बन रहे हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। प्रेम संबंधों में मिसअंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी आज। अवैध संबंधों से बच कर रहे। केतु का मंत्र जाप करें, ओम केम केतवे नमः 11 या 21 बार। आज का लकी नंबर है आपके लिए 1-5। धनु राशि के मित्रों के लिए आज का दिन धन प्राप्ति शुभ दिन है आज आपके लिए। आज आपके व्यक्तित्व की प्रशंसा होगी। बड़े भाई के स्वास्थ्य को लेकर चिंता सता सकती है। अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखें। आज लोग आपसे प्रभावित होंगे। नौकरी पेशा जातक आज प्रमोशन प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आज अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए अच्छा और सकारात्मक दिन है। धन लाभ होगा और भौतिक सुख सुविधाओं पे आज आप खर्च करेंगे। यात्रा लाभकारी रहेगी। उच्च शिक्षा में सफलता, स्पिरिचुअल गेन, पिता के साथ अच्छे संबंध बने रहेंगे। प्रेम संबंधों में मनमुटाव के योग बन रहे हैं। आपका प्रेमी या आपकी प्रेमिका आपसे नाराज हो सकती है। आपकी संतान के साथ भी मनमुटाव के योग बने हुए हैं। स्वास्थ्य ठीक ठाक रहेगा। घर के माहौल में ज्यादा तल्खी न आने दें। केतु का मंत्र जाप करें, ओम के केतवे नमः 11 या 21 बार। आज का लकी नंबर है आपके लिए 5-6। मकर राशि के मित्रों के लिए आज का दिन उतार चढ़ाव वाला और उथल पुथल वाला दिन है। हालांकि आज आपको आर्थिक रूप से अपने मित्रों से और अपने सगे संबंधियों से मदद मिल सकती है। करियर में आज आपको किसी की सहायता मिलने के योग बन रहे हैं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। खर्च की अधिकता आज आपको परेशान करेगी। नकारात्मक सोच से बचें। कामों में बाधा से
मन थोड़ा खिन्न हो सकता है आपका, हालांकि समाज में आपके सम्मान में वृद्धि होगी, पद प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। पिता का स्वास्थ्य चिंता का कारण बन सकता है। कर्म स्थल पे अत्यधिक दबाव की वजह से आप थकावट महसूस करेंगे। प्रेम संबंधों में तनाव के योग बने हुए और ब्रेकअप के योग भी बन रहे। केतु का मंत्र जाप करें, ओम केन केतवे नमः 11 या 21 बार। आज का लकी नंबर है आपके लिए 2-9। कुंभ राशि के मित्रों के लिए आज का दिन थोड़ा दुविधा वाला रहने वाला है, हालांकि इच्छा पूर्ति होगी। दाम्पत्य जीवन में प्रेम की वृद्धि, व्यवसाय से धन लाभ, किसी नए व्यवसाय की शुरुआत करने से बचे। आपके व्यवहार का दुविधापन आज आपको मुश्किल में डाल सकता है। जिद करने से बचे, नहीं तो किसी के साथ वाद विवाद होने की संभावना बन रही है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नए योगा योग होंगे और आपके ये नए योगा योग आपके लिए लाभकारी रहने वाले हैं। प्रेम संबंधों में आज आप रोमांच महसूस करेंगे, लेकिन फिर भी अगर किसी को अपने दिल की बात कहना चाहते हैं तो आज कहने से बचें, क्योंकि सफलता मिलने के आसार कम है। केतु का मंत्र जाप करें, ओम केन केतवे नमः 11 या 21 बार। आज का लकी नंबर है आपके लिए 6-7। मीन राशि के मित्रों के लिए आज का दिन कर्म स्थल पे अपमानजनक स्थितियों का योग बन रहा है। आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। आज खर्चों पे आप कंट्रोल करने में सफल रहेंगे। कर्मस्थल पे आज आपके ऊपर जिम्मेदारियां जरूरत से ज्यादा आ जाएंगी, जिसकी वजह से आप थकावट और मानसिक तनाव अनुभव कर सकते हैं। बात सोच समझ कर करें, बिना सोचे समझे अपने विचारों को प्रकट ना करें। कामों में डिले और बाधा से भी आप परेशानी महसूस करेंगे। प्रेम संबंधों में स्थिति आज असमंजस वाली बनी रहेगी। बहुत बेहतर दिन नहीं है। आपके दाम्पत्य जीवन में भी आपको तनाव झेलना पड़ सकता है। केतु का मंत्र जाप करें, ओम केन केतवे नमः 11 या 21 बार। तंत्र मंत्र गुप्त विद्याओं के प्रति आप काफी आकर्षण महसूस करेंगे। केतु का मंत्र जाप करें, ओम केन केतवे नमः 11 या 21 बार। आज का लकी नंबर है आपके लिए 5-9। तो ये था आज का राशिफल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।